Namaste. A few days back, we were at a village called Vanpuri under the initiative of a foundation, Healthy Paathshala. And we had plants there, trees there, and there were many kids in school. So, there was a child, Mahesh, who caught my attention because when we were putting trees, तो जिस ढंग से वो अपने फावड़े अपने स्पेड के साथ वो मिट्टी भर रहा था उन पिट्स के अंदर, इट वाज सो वंडरफुल. उसके हाथ इतने बढ़िया चल रहे थे. सो द विलेज हेडमास्टर, द स्कूल हेडमास्टर सेड कि ये महेश जो है, ही इज़ फ्रॉम अ फार्मर्स फैमिली और स्कूल के बाद ही जाके खेत में काम करता है और तभी इसके हाथ इतने अच्छे चल रहे हैं. ही वॉज इन क्लास 6 और 7, बट द वे ही वॉज वर्किंग वॉज ऑसम. तो जब मैं आ रहा था लौट के, तो आई जस्ट थॉट दैट कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के हाथों से काम कम निकल रहा है शायद, और वी आर मोर इन द वर्चुअल वर्ल्ड, वी आर मोर ऑन द नॉलेज साइड, बट एक काम के साइड से हमारे हाथों से हमारी लाइफ में काम कम हो रहे हैं. आई बिलीव दैट हाथ से काम निकलना बड़ा ज़रूरी है. वो बोलते ना कि ये सोना जो है वो जाता है भट्टी के अंदर, ओवन के अंदर, और तब जाके जब बाहर निकलता है देन इट शाइन्स, देन इट ग्लिसन्स. आई थिंक इन द सेम वे इंसान शाइन करता है, ग्लिसन करता है, चमकता है जब वो अपने भट्टी में जाता है. सो पीपल हु आर नॉट सो प्रिविलेज, बाय डिफ़ॉल्ट दे हैव एन ओवन, दे हैव अ भट्टी जिसमें वो जाते हैं. जैसे ये महेश है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जाता है खेत में काम करता है, बाय डिफ़ॉल्ट उसके हाथ से काम हो रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट ही हैज़ सम स्किल, सम कैपेबिलिटी. तो जो लोग प्रिविलेज हैं, शायद उनके पास वो ओवन, वो भट्टी नहीं है जिसमें वो जा रहे हैं, बिकॉज दे हैव थिंग्स लाइंड अप इन अ सर्टन वे. बट शाइन होना ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस का अंदर से आना बड़ा ज़रूरी है, और वो कॉन्फिडेंस का आना, वो शाइनिंग तभी होती है जब हमारे हाथ से काम निकलता है. सो जो भी बच्चे ये देख रहे हैं, जो भी पेरेंट्स ये देख रहे हैं, आई वुड सजेस्ट दैट क्रिएट ए ओन स्मॉल मिनी ओवंस, खुद की अपनी भट्टियाँ बनाइए जिसमें आप खुद को डाल पाओ. देर इज़ नो नीड फॉर अस टू गो एंड वर्क इन द फील्ड, बट देन यू हैव टू हैव योर ओन ओवंस थ्रू विच यू कैन एक्चुअली पुट योर सेल्फ इन. और जब आप बाहर निकलोगे तो आप यू विल कम आउट एज मच मोर शाइनिंग पर्सन देन वॉट यू वर. सो सी इफ यू कैन put yourself in situations where you have to do some work, chahe wo gardening ho ghar mein, chahe wo kitchen ka kaam ho, chahe ghar ki safai ka kaam ho, chahe bank mein jaake kuch kaam karna ho, chahe even washing your car, getting your car serviced, uske andar dekho kya kya cheeze hain. Get some work done from your hands. Jitna haath se kaam nikalega utna internal confidence hamara badhega. Aur jab ye confidence ki kami hoti na internally, to confidence sab kuch hi hota hai, तो हम एक्सटर्नल ढूंढते हैं. मे बी बाय द वे वी ड्रेस अप, वी वांट टू फील कॉन्फिडेंट. मे बी द वे वी लुक, वी वांट टू फील कॉन्फिडेंट. मे बी द वे वी टॉक वॉक विल, वी वांट टू फील कॉन्फिडेंट. लेकिन ये सब बाहर की चीज़ें हैं. अगर अंदर से हम लोग कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं बाय, एंड दैट कॉन्फिडेंस विल ओनली कम बेस्ड ऑन हाउ मच वी हैव लिव्ड, हाउ मच वी हैव डन. सो कैन वी पुट आवर चिल्ड्रन अक्रॉस थ्रू सम वर्क इन सम स्मॉल वे, सम बिग वे. So they will, over a period of time, they will feel great about themselves as to they have done some work. So kaam se jeena churao, kaam pakdo, whether it be you are a teenager, whether you are working in a company, see if you can have some work which you can do. Jitna kaam karoge, utna andar se confidence badhega, that is for sure. So wish you a life which is full of work which happens through you, and I'm sure the way the world will look at you, the way you look at yourself will be so very different. Namaste.